हेलो फ्रेंड्स, ये पीवीसी गैंग बॉक्स है, तीन वाला। और ये हमारे पास है दो स्विच, और ये है सॉकेट, ये है होल्डर मॉडलर टाइप, और ये बल्ब है होल्डर के लिए, और ये एमसीबी है 6 एम्पियर के लिए। ये पेच है स्विच सॉकेट का, और ये वायर है कनेक्शन के लिए। अब इसमें हम सॉकेट को लगाने से पहले हम इसके अंदर का जो पीवीसी जो कवर है इसको तोड़ के हटा लेंगे। अगर इसके अंदर अगर सॉकेट ना लगाना हो, स्विच ही लगाना हो, तो इस कवर को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सॉकेट लगाना है तो इसमें डिजाइन ऐसा किया होता है कि हम इसको कवर को तोड़ सकते हैं, पीवीसी कवर जो गैंग बॉक्स का है। अब इसमें हम सॉकेट लेफ्ट साइड में सॉकेट लगा देंगे और पेच खोलकर इसमें पेच टाइट कर देंगे। स्विच और सॉकेट का जो कनेक्शन है उसका पहले ही हमने वीडियो बना रखा है। जो फर्स्ट पार्ट था वो आपको आई बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा। वीडियो सीरीज वाइज बन रही है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के हिसाब से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। उसके बाद हम स्विच लगाएंगे इसको पेच के थ्रू, पेच कस के सॉकेट के लिए। इसमें दो स्विच और एक सॉकेट है, जिसमें स्विच सॉकेट एक साथ होगा और एक स्विच होल्डर बल्ब के लिए होगा। उसके बाद हम दूसरा स्विच लगाएंगे राइट साइड में बल्ब के लिए। ऊपर नीचे पेच को टाइट कर देंगे। उसके बाद हम वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए जो स्विच है, स्विच के निचले हिस्से में फेज वायर की लूपिंग करेंगे। फेज वायर को लूपिंग करने के बाद उसके बाद हम सॉकेट का जो लेफ्ट साइड का जो पिन है उसके अंदर वायर को जोड़ेंगे, और उसके साथ वाली स्विच को जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर हम दूसरे हिस्से को जोड़ देंगे वायर का। उसके बाद हम होल्डर को, होल्डर में पीली वायर है दोनों जो पिन है होल्डर होल्डर का, उसके अंदर दोनों वायर को कनेक्शन कर देंगे। उसमें से एक वायर न्यूट्रल में जाएगी और एक स्विच में जाएगी ऊपर वाले पिन के अंदर। तो ऊपर वाले पिन में हम इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद जो न्यूट्रल की वायर है, जो मेन सप्लाई आएगी न्यूट्रल, उसके साथ जोड़ के होल्डर वाली जो न्यूट्रल है, उसके बाद जो मेन सप्लाई की जो जो सप्लाई आएगी उसके साथ इसको जोड़ के इसको सॉकेट जो राइट साइड जो पिन है इसको में हम इसको जोड़ देंगे। उसके बाद हम जो मेन सप्लाई की जो वायर आएगी उस वायर को हम एमसीबी के जो निचला हिस्सा है इसको हम इसको जोड़ देंगे, और ऊपर वाले हिस्से में हम जो पीवीसी बोर्ड है उसकी फेज वायर जो लूप किया हुआ था उसको हम उसके साथ कनेक्शन कर देंगे ऊपर वाले हिस्से में। और जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड की जो स्विच है उसके निचले हिस्से में हम इसको सॉकेट वाले जो नज़दीक स्विच है उसके अंदर हम इसको जोड़ देंगे। उसके बाद हम सप्लाई चालू करके बल्ब लगा के होल्डर के अंदर और स्विच ऑन करके फिर एमसीबी को ऑन कर देंगे, फिर स्विच चालू करके चेक करेंगे सप्लाई का। सप्लाई ओके है।